पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नागफनी थाना क्षेत्र में रिटायर इंजीनियर को बंधक बनाकर फेसबुक फ्रेंड, नकदी मोबाइल, लैपटॉप, सोने की ज्वेलरी समेत करीब 8 लाख रुपए का माल लूट ले गया। किसी तरह खुद को बंधन मुक्त किया। घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। देर शाम मामला चोरी में दर्ज किया गया। नागफनी थाना क्षेत्र स्थित तारा बिल्डिंग के पास गली नंबर 4 में रहने वाले 75 वर्षीय मोहम्मद जाहिद सऊदी अरब के जेद्दा में सिविल इंजीनियर थे। 2012 में पत्नी जकिया सुल्तान की मौत हो गई थी। रिटायर होने के बाद वो यहां अकेले रहते हैं। परिवार में 3 बेटियां आसमा जाहिद, शना जाहिद और शमा जाहिद हैं। आसमा जाहिद सऊदी अरब में रहती हैं, जबकि उसकी दोनों बहनें अपने अपने परिवारों के साथ जर्मनी में रहती हैं। मोहम्मद जाहिद ने बताया कि कुछ समय पूर्व समीर नामक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई। समीर ने खुद को लाजपत नगर निवासी बताया था। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करने की जानकारी दी थी। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। उसके बाद उनकी फोन पर बातें होने लगी। उन्होंने समीर को बता दिया कि वह घर में अकेले हैं। करीब 5 मिनट बाद ही समीर आ गया। उसने खुद ही कॉफी बनाई। इस दौरान जाहिद को लगा कि उसने कॉफी में कुछ मिला दिया है, इसीलिए उन्होंने कॉफी नहीं पी। तब समीर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। समीर ने अपने पेट पर बंधे जूतों के फीतों से जाहिद को कुर्सी पर बैठाकर दोनों हाथ बांध दिए। इसके बाद उनके 2 मोबाइल, अलमारी में रखे 18,000 रुपए नगद, सोने की 6 चूड़ियां और 1 सेट लैपटॉप समेत करीब 8 लाख रुपए का माल समेट कर ले गया। क्या नाम है आपका? नाम जाहिद है। जाहिद हुसैन जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हुई कि मेरा जान पहचान का था, लड़का आया मेरे घर, फेसबुक पे उसकी जान पहचान हुई थी, आता जाता था, तो आए रात आया। आने के बाद उसने सभी हरकत की, मेरे पैसे से लूट के ले गया, मुझे बंदी बना के मुझे सब पैसे लेके दिया, लेके चला गया, मुझे बंद करके चला गया। कितने बजे आया था रात? रात को वो आया था 11:30 बजे करीब, और गया